बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या एक कंपनी से अगर आपका ब्लैक लिस्टेड हो जाता है, यानी कि कंपनी ने अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, आप किसी भी तरीके का वहां पर फेक डॉक्यूमेंट्स आपने अप्लाई करा और कंपनी ने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया और उसके बाद आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया, क्या किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, क्या किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं मिलेगी अगर आप एक कंपनी से वहाँ पर टर्मिनेट हो जाते हो या ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो, उसी के बारे में बेसिकली बात करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, इसमें जितना भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट है वो पूरा क्लियर होने वाला है। सो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं, बेसिकली उनका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो एक ही कंपनी के थ्रू अटैच्ड होता है। एक ही कंपनी, अगर मैं बोलूँ ऐसे तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपको अगर एक डोमेन नेम चाहिए, अगर मुझे डोमेन नेम चाहिए emsitservices.com, ये मुझे डोमेन नेम चाहिए। और जो ये डोमेन प्रोवाइड कराती है वो एक कंपनी होती है ICA NN करके, तो वो कंपनी डोमेन प्रोवाइड कराती है। अब बेसिकली होता है कि आप गोडैडी अकाउंट से खरीद लो, आप बिगरॉक से खरीद लो, होस्टिंग राजा से खरीद लो, आप डोमेन बेसिकली किसी भी वेबसाइट से जाके वहाँ पे परचेस कर लो, तो वो डोमेन आपके नाम पे ब्लॉक हो जाता है, यानी आपका डोमेन नेम कोई भी परचेस नहीं कर सकता। अब सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पे यही होती है कि अगर आपको एक कंपनी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो जितना भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का पोर्टल होता है, जो मेन लीड होता है, वहाँ पे आपका नाम ब्लॉक हो जाता है कुछ टाइम के लिए। उन्होंने जितना किया होगा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, तो बेसिकली वो वहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। एंड दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी की, ये रूल अप्लाई होता है एक मल्टीनेशनल कंपनी में। अगर आप वही बात करो कि एक छोटी कंपनी है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, 100-200 एम्प्लॉय, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। वहाँ पे जॉब्स मिल भी जाती हैं और जॉब्स लोग करते भी हैं। ये बेसिकली जितनी भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी मल्टीनेशनल ब्रांड हैं या जो भारत की नवरत्न कंपनीज हैं, अगर आप उनसे ब्लैक लिस्टेड हो जाते हो तो थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, यानी कि 90% केसेस में आपको जॉब नहीं मिलती अगर ब्लैक लिस्टेड आप एक बार कर दिए जाते हो किसी भी कंपनी से। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी आप वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो टर्मिनेशन लेटर वो आप हाइड कर सकते हो या एक्सपीरियंस लेटर किसी और का शो करा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी, आपको करनी होगी। और अगर रही बात मल्टीनेशनल कंपनीज की, तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर 9 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ना, तो 90 छोटी कंपनी मिल जाती हैं। बहुत वैकेंसी हैं, बहुत जॉब्स हैं। आप ये सोच के मत बैठो कि यार मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया या मेरे पास गैप ईयर्स है या मुझे जॉब नहीं मिल रही है या मिलेगी नहीं। सीधा सा फंडा है, मल्टीनेशनल कंपनीज में नहीं जॉब मिल रही है तो छोटी कंपनी में ट्राई करो। कल को जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो वही मल्टीनेशनल कंपनीज आपको उठाएंगी, वही मल्टीनेशनल कंपनीज आपको बुलाएंगी। बस एक बार आप नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस तो गेन करो। आपका अगर टारगेट है गूगल में जाना है, तो आप अपने अंदर इतनी स्किल्स लाओ, इतना नॉलेज लाओ, गूगल खुद आपको जॉब के लिए वहाँ पे ऑफर करे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, नॉलेज है, तो जॉब्स बहुत हैं, आज भी बहुत हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत रहेंगी। एंड फाइनली दोस्तों, मैंने यही ये तो बता दिया कि अगर आज 10 मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उतने बीच में ना आपको 100 स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, इसमें 50 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, तो ये एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन आप यही सोच के बैठो, नहीं हमें मल्टीनेशनल से स्टार्टिंग करनी है और आपको जॉब नहीं मिल रही, तो ये थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करो और एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से भी आज स्टार्टअप करो। आप अपना अपने कोई तो जॉब होगी ना अपने पास, वो करो, इसके बाद मल्टीनेशनल में चले जाना। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है यार, वहाँ पकड़ो, वहाँ जाओ। और सबसे बड़ी बात, वो तो इतने अच्छे से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी नहीं करते हैं, नॉर्मली करते हैं। हाँ, बंदे का आधार कार्ड, ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से है, कहाँ से नहीं है, बस वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाती हैं। सो फाइनली दोस्तों, यही है कि अगर आप टर्मिनेशन हो गया है, ब्लैक लिस्टेड हो गए, तो ये सोच के मत बैठो कहीं जॉब नहीं मिलेगी। जॉब ट्राई करो, जॉब बहुत है और मिलेगी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर चैनल से कुछ सीखने मिला तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा हो, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। उसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स है कोई, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद।